अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा क्विज था पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो जी हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू था, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड। कि पॉलीमर जो है वो हमारे पास छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बना है, उस सब यूनिट को हम क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस थे टोमोमर्स, मोनोमर्स, लिकोमर्स एंड नन। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन, ऑप्शन मोनोमर्स। कि पॉलीमर जिन सब छोटे सब यूनिट से मिलके बने हैं उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, लेंथ ऑफ अ पॉलीमर इज डिफाइंड बाय इट्स डीपी, सीपी, एनपी। तो किसी भी पॉलीमर की जो लेंथ है उसको हम बता सकते हैं डीपी, विच स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सब यूनिट्स प्रेजेंट इन द पॉलीमर, जो उसकी लेंथ को बता रहे होते हैं। तो हम किसी भी पॉलीमर की लेंथ को उसकी डीपी से शो करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमर मेड बाय टू डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड। पॉलीमर्स आपके पास जो मोनोमर्स से मिलके बना है वो एक ही तरह का भी हो सकता है, वो डिफरेंट तरीके का भी हो सकता है। अगर वो एक ही तरह का है तो हम उसको कहते हैं होमोपॉलीमर्स। हमसे पूछ रहे थे दो डिफरेंट का, तो दो डिफरेंट को हम कहते हैं कोपॉलीमर्स। सो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन आपके पास, कि वो पॉलीमर जो कि टू डिफरेंट मोनोमर्स से मिलकर बनेगा उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। अगर वो तीन डिफरेंट मोनोमर्स से मिलकर बना हो उसको हम कहते हैं टर्पोलीमर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पॉलीमर हु बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट सॉफ्टन अगेन इज कॉल्ड। कैसा पॉलीमर जो कि हार्ड करने पे सख्त हो जाए, मतलब डीफॉर्म हो जाए और दोबारा उसको सॉफ्ट ना किया जा सके, तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर, सी ऑप्शन। थर्मोप्लास्टिक वो होता है जो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाए और ठंडा करने पर सख्त हो जाए, उसको हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, ऐसे को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। जो कि हीट करने पर सख्त हो जाए और दोबारा उसको नरम किया ही ना जा सके, मतलब वो डीफॉर्म हो चुका है, ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मो सेटिंग पॉलीमर। देन पीवीसी पाइप आपके पास एग्जांपल है किसकी। पीवीसी पाइप ऐसे पाइप्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं, खिलौनों में ऐसे प्लास्टिक को यूज करते हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की। तो पीवीसी पाइप इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एडिशन रिएक्शन ऑफ पॉलीमर मोस्टली प्रोसीड्स थ्रू। आपके पास पॉलीमर को बनाने के दो तरीके थे, एडिशन और कंडेंसेशन। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है वो आपके पास प्रोसीड करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन ठीक। विच पॉलीमर इज यूज इन क्लॉथिंग। क्या आप जो कपड़े पहनते हो उसमें हम अगर पॉलीमर यूज करते हैं तो वो किस टाइप का यूज करते हैं। उसमें हम पोली एस्टर यूज करते हैं। 10th का आपका बी ऑप्शन ठीक है, पोली एस्टर इज यूज विद क्लॉथिंग। पॉलीअमाइड रेजिन्स हैं, वो पॉलीमाइड रेजिन्स आपके पास बनते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और आपके पास कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसके थ्रू आपका स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज हो और मेन प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। पॉलीअमाइड हमारे पास इसके थ्रू बनते हैं, लेकिन इसके दो जो कंडेंसिंग यूनिट्स हैं वो है कौन कौन से। तो इसके पास आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, अमीन। अमीन, डाई अमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे पास मिलके पॉलीअमाइड दे रहे होते हैं। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिलीजिंग मॉलिक्यूल्स, ये मैंने अभी बताया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिलीज होगा, मेन पॉलीमर बन जाएगा और साथ में कोई छोटा मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल। आपके पास वाटर भी हो सकता है, आपके पास अमोनिया भी, आपके पास मैथानोल भी, डिपेंड करता है आपके जो कंडेंसिंग यूनिट्स हैं दो वो कौन से मिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए कोई इन तीनों में से तीनों रिलीज हो रहे हैं, हर एक की अपनी डिपेंड करता है रिएक्शन कौन से टाइप का है। मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर, आपके पास बायोपॉलीमर्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स मोस्ट कॉमनली हैं, और इसमें से जो मोस्ट अबंडेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बायोपॉलीमर में सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय विच। तो आपके पास जो एनर्जी है वो तीनों डिफरेंट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास 3.9 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, आपके पास प्रोटीन्स जो है वो 4.1 कैलोरीज पर ग्राम होती है, लिपिड्स जो है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं विच इज 9.1 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम जो है लिपिड का 9.1 कैलोरीज देता है, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सबसे कम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, फिर प्रोटीन्स हैं ऑलमोस्ट सेम सेम है, 3.9, 4.1, लिपिड्स 8 पॉइंट समथिंग दिया होता है, 9.1 सॉरी।
आपके पास लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय लिपिड्स। ब्लड शुगर हम किसे कहते हैं जी? ब्लड शुगर हम कहते हैं ग्लूकोज को। तो ब्लड शुगर इज कॉल्ड ग्लूकोज, और जो आपके पास सक्रोज है उसको हम कहते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर इज सक्रोज, ब्लड शुगर इज ग्लूकोज। ये जनरल नॉलेज का थोड़ा सा आ जाता है बाज को आपको बायोपॉलीमर से। कॉटन इज 99%, जो आपके पास कॉटन है वो 99% क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। 1% इसमें इम्प्योरिटी आती है, बाकी 99% जो कॉटन है वो आपकी सेलुलोज से बनी होती है। उसके बाद एनिमल स्टार्चेस, एनिमल स्टार्च हम किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन। जिस तरह प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज होती है वो स्टार्च के थ्रू होती है, एनिमल में जो है वो ग्लाइकोजन के थ्रू होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आपके पास। मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोस इज, ग्लूकोस आपके पास हेक्सोज है, 6 कार्बन से मिलकर बनी है, तो इसका राइट जो आपका मोलेकुलर फॉर्मूला है वो है 6H12O6, C6H12O6। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ऐसा कौन सा पॉलीमर है बायोपॉलीमर जो अमाइनो एसिड्स की मोनोमर्स की जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं? तो कौन सा है जी? वो है प्रोटीन्स। हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और आपके पास प्रोटीन्स बन जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन हमारे पास 4 स्ट्रक्चर शो करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। सिंपल अरेंजमेंट जो है अमाइनो एसिड्स की एक लाइन में उसको हम कहते हैं प्राइमरी। सिंपल अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास स्पाइरल या हेलिक्स बनती है। ये स्ट्रेट चेन स्पाइरल की फॉर्म ले लेते हैं या हेलिक्स की फॉर्म, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग मोस्ट कॉमन है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मेन थिंग, दैट इज मेन बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टेरिशरी में आपके पास जो बॉन्डिंग आती है वो आती है आयनिक, हाइड्रोफोबिक और डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो और क्वार्टनरी में जो है फंक्शनल हो जाती है आपके पास प्रोटीन्स, और कोई ना कोई फंक्शनल परफॉर्म कर रहती है, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया। तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एग्जिस्ट करती है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, वन विच कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। इनमें से कौन सा बायोपॉलीमर है जिसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है? वो है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को आप हीट करते हो फौरन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो आपके एग की, अंडे की। जैसे ही आप अंडे को तवे पे डालते हो वो पकता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा हीट कर दो वो फौरन जल के सख्त हो जाता है। तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है हमारी, फौरन से डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स, लिपिड किस चीज से मिलके बनते हैं? हमारे पास लिपिड का बेसिक यूनिट है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड हम ग्लिसरोल और फैटी एसिड को जब कंबाइन करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, जो कि बेसिक यूनिट है लिपिड्स का। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू था जी, इंजाइम यूज फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो हमारे पास बेसिक यूनिट आ जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है वो। और किस इंजाइम के थ्रू लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होती है? तो वो होती है लिपेज के थ्रू। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑयल कैन बी कन्वर्टेड टू घी, या ऑयल आपके पास घी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? ऑयल होता है जब आपके पास अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और घी है आपके पास सेचुरेटेड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो ऑयल को आप घी में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। कुछ भी नहीं करना, आपने हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं, डबल बॉन्ड जहां जहां होगा वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा और वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा। लिपिड्स डेट हैव डैश बॉन्ड्स आर मोर लाइबल टू रेंसिडिटी, कि वो लिपिड्स जिनमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो जल्दी उनमें बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसी वजह से हम उनको घी में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल जल्दी खराब होता है एज कम्पेयर टू घी। ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। तो अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स जब भी होंगे वो चीज जल्दी गल सड़ जाएगी, उसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शन जल्दी हो जाएंगे। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कौन से होते हैं? इंजाइम्स। इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सिंपल कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शंस में स्पीड अप करते हैं, और हमारी जो बॉडी के रिएक्शंस होंगे उसमें जो स्पीड अप करने के लिए हम चीज यूज करेंगे दे आर कॉल्ड इंजाइम्स।
पॉलीमर इज अ बहुत कॉमन क्वेश्चन है पास पेपर का, ये पॉलीमर जो है वो आपका किस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। पॉलीमर आपका ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन ए पॉलीमर ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसमें पॉली का मतलब है मैनी एंड मर का मीन है यूनिट, मैनी यूनिट्स, तो ग्रीक ओरिजिन है इसकी। नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, नाइलॉन थ्रेड्स आपके पास क्या है, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स हैं, पॉलीमाइड की टाइप से अमीन प्लस एसिड मिलता है और नाइलॉन बन जाता है आपके पास, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेलुलोस इज अ पॉलीमर ऑफ, आपके पास जो सेलुलोस है वो किस चीज से बन के बने हैं। सेलुलोस पॉलीमर है ना, बहुत सारे यूनिट्स कंबाइन होते हैं, हमारे पास ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स ब्रांच के फॉर्म में कंबाइन होते हैं और सेलुलोस बन जाता है, तो सेलुलोस इज अ प्राइम पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, इनमें से कौन सा है जो आपके पास फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है, तो अपने पर रखा है टेफ्लॉन का CF2CF2, इसका फॉर्मूला होता है और लार्ज नंबर ऑफ CF2CF2 कंबाइन होते हैं, जस्ट लाइक पॉलीइथिलीन की तरह, वहां CH2 होता है, यहाँ CF2 होता है, तो टेफ्लॉन जो है आपके पास वो फुली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर है, ए ऑप्शन। देन आपके पास आ जाता है जी इंग्लिश का पोर्शन, इंग्लिश में आपके पास सिनोनिम पूछा गया है इंसुलेंट का, इंसुलेंट का मीनिंग आपके पास आ जाता है बदतमीजी करने की सेंस में, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रूड इसका सिनोनिम है इंसुलेंट। देन आपके पास आता है सिनोनिम ऑफ इनसिपिड, सिनोनिम ऑफ इनसिपिड हम कहते हैं किसी भी बोरिंग चीज को जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोरिंग। फिर आपके पास है सिनोनिम ऑफ इम्पिंच, सिनोनिम ऑफ इम्पिंच हम कहते हैं किसी चीज की टक्कर को, इम्पिंच होना टकराना किसी चीज के साथ बैश हो जाना, तो हम इसका राइट ऑप्शन लेते हैं जी, यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो है ए ऑप्शन, स्मैश, तबाह हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, बैश स्मैश इस मीनिंग में हम इसको लेते हैं। फिर आपके पूछा गया है एंटोनिम ऑफ इंसेप्शन, इंसेप्शन का उलट क्या है, इंसेप्शन का पहले हमें सीधा मतलब जानना पड़ेगा, इंसेप्शन का मीनिंग होता है किसी चीज का आगाज होना, बिगनिंग होना, तो किसी चीज का बिगनिंग है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंडिंग, बी ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा इंसेप्शन। सिनोनिम ऑफ इंक्विटी, इनक्विटी हम कहते हैं किसी ऐसी चीज को जहां पर इविल चीज आ जाती है, द हैबिट्स ऑफ बीइंग इविल और बैड, तो यहाँ पे जो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो हो जाएगा करप्शन, सिनोनिम ऑफ इनक्विटी इज करप्शन, सी ऑप्शन। देन आपके पास 36 MCQ है, पब्लिक रूम और बिल्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से लिया गया है ये, तो कोई ऐसी वन वर्ड जो इस चीज को एक्सप्लेन कर दे, तो आपके पास ऑप्शन 36 MCQ है, पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, कैसा पब्लिक रूम या बिल्डिंग यहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स खेली जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्री कैसीनो कैनल नन, तो कैसीनो इज द प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, बी ऑप्शन। प्लेस वेयर मेडल्स कॉइन्स और टोकन्स आर मेड, ऐसी जगह जहां पे मेडल्स कॉइन्स या टोकन्स बनते हैं हम क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं मिंट, ए ऑप्शन, ये जो आपको दिए गए थे प्रोवाइड किए गए थे उन्हीं में से बनाए हुए हैं। जैन आपके पास इंग्लिश का लास्ट MCQ है, स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स के, स्मॉल जहाँ पे बहुत सारी किश्तियां और आपके पास बहरी जहाज खड़े होते हैं उस जगह को, या उस उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, शिप्स के ग्रुप्स को, तो आपके पास ऑप्शन है फ्लोटीला, फ्लोरल, फॉन, नन, तो आपके पास राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, फ्लोटीला, फ्लोटीला इज द स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स और बोट्स जिसे हम कहते हैं बहरी बेड़ा। नेक्स्ट जी हमारा है बीएड का पोर्शन, इसमें हमारा पहला एमसीक्यू है, टीचिंग मेथड दैट रिलाइज ऑन वर्बल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर इज, कैसा टीचिंग मेथड जिसमें स्टूडेंट्स और टीचर आपस में वर्बल डिस्कशन के थ्रू आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्कोर्स, डिस्कशन, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, तो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन है जी डिस्कशन, बी ऑप्शन। डिस्कोर्स आपके पास होता है लार्ज टर्म पैटर्न स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान बात करने का, उसको आप कहते हो डिस्कोर्स, लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए जिस तरह 40 मिनट की क्लास हुई है जस्ट उसमें टीचर और पढ़ा भी दे और अपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वर्बल डिस्कशन के थ्रू एक्सचेंज भी कर ले, उसको आप प्रॉपर कहते हो डिस्कशन।
देन आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिसर्चर्स मोस्टली यूज द मेथड ऑफ, जो आपके पास रिसर्चर्स यूज होते हैं वो मोस्टली जिस मेथड को यूज करते हैं वो हमारे पास होते हैं डिस्कोर्स। अब डिस्कशन टीचर जो होता है वो आपके पास सॉरी डिस्कशन जो है वो टीचर सेंटर अप्रोच है, और जो डिस्कोर्स है वो आपके पास रिसर्चर्स सेंटर अप्रोच है। तो रिसर्चर्स जो है वो मोस्टली यूज करते हैं डिस्कोर्स के मेथड को वर्बल एक्सचेंज के लिए अपने टीचर के साथ, या अपने रिसर्चर अपने जो उनका सुपरवाइजर होगा उसके साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पर्पस ऑफ डिस्कशन इज क्लासरूम, कि टीचर जो है वो क्लासरूम में डिस्कशन करवा रहा है उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। उसका मेन पर्पस जी इम्प्रूव स्टूडेंट थिंकिंग, टू प्रमोट एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों इंक्लूड होते हैं। डिस्कशन टीचर क्लास में क्यों करवाते हैं, जो मेन पर्पस होता है डिस्कशन का वो ये होता है कि स्टूडेंट की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो जरा इम्प्रूव हो जाए। स्टूडेंट जो स्टूडेंट शाय है बहुत ज्यादा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको डिस्कशन के थ्रू पार्टिसिपेट करवाया जा सकता है। वो स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल जरा स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल को टाइम टू टाइम जो आप इम्प्रूव करवा सकते हो वो डिस्कशन के थ्रू करवा सकते हो। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं, ये पर्पस है क्लासरूम डिस्कशन के। तो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। देन आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, शोइंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सम कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, कि आप किसी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग शो करना किसी कम्युनिकेशन की तरफ वो क्या कहलाता है। तो आपको बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए हम चार स्किल्स यूज करते हैं, चार मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास पैराफ्रेसिंग, बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, फीलिंग डिस्क्रिप्शन इंक्लूड थे। तो इसमें जो स्पेसिफिक एक है, शोइंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसी की कम्युनिकेशन की तरफ अंडरस्टैंडिंग को शो करना, ये कहलाता है पैराफ्रेजिंग। तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। डिस्कोर्स एंड डिस्कशन कैन बी इम्प्रूव, या आपके पास डिस्कोर्स या डिस्कशन के जो है वो आप किस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, वो आप फास्टिंग द पेस, स्लोइंग द पेस, मीडियम स्पीड ऑफ द पेस, डू नॉट, या डिपेंड ही नहीं करती डिस्कशन या डिस्कोर्स आपके पास पेस पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है जी, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है बाय स्लोइंग द पेस, कि आप पेस टीचर अपनी पेस को टोन को जरा स्लो कर लेगा ताकि स्टूडेंट्स को एक टाइम मिल सके कि वो सोच सके, उसके बाद अपनी बात का जवाब दे सके। तो अगर आपने डिस्कशन को इम्प्रूव करना है तो आप तो अपनी पेस को स्लो कर दोगे, थोड़ा टाइम दोगे स्टूडेंट को सोचने के लिए। देन आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्लासरूम डिस्कशन कैन बी बेस्ट कैरिड आउट व्हेन स्टूडेंट्स अरेंजिंग, ये क्लासरूम डिस्कशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है डिस्कशन का वो होता है कि आप स्टूडेंट्स को किसी यू शेप कमरे में ले जाओ, या मोस्टली टीचर सेंटर में बैठा होता है, यू शेप इस तरह बेंचेस लगे होते हैं आपके। लाइक अगर मैं इसको ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल चेयर्स पड़ी हैं स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स इस तरह अरेंज होते हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आगे टेबल पड़ा होता है इस तरह गोल मेज टाइप का, और यहाँ पे टीचर बैठा होता है आपका, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और इस तरह जो है हर जो स्टूडेंट है वो टीचर को दिख रहा होता है, फेस टू फेस डिस्कशन हो रही होती है। तो आप कर सकते हो रो की फॉर्म में भी, लेकिन जो बेस्ट मेथड है आपका डिस्कशन का वो होता है यू शेप बिल्डिंग या यू शेप रूम में लेके जाओ। वन फेमस डिस्कशन मेथड दैट इज कॉल्ड डायलॉजिक मेथड इज, के डिस्कशन का हमें एक मेथड दिया गया था, एक फिलोसफर ने दिया था, वो कौन सा है जिसको आप डायलॉजिक मेथड भी कहते हो। तो इस ये जी है एरिस्टोटल मेथड, प्लेटो मेथड, सोक्रेटिक मेथड। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सोक्रेटिक। सोक्रेटिक के मेथड को हम डायलॉजिक मेथड भी कहते हैं, ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव मेथड कहलाता है। सोक्रेट ने कहा था कि थ्रू लॉजिक, थ्रू डिस्कशन, थ्रू इंटरेक्शन आप डिस्कशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी, सोक्रेटिक मेथड इज कॉल्ड द डायलॉजिक मेथड। क्लासरूम डिस्कशन इंक्लूड्स हाउ मेनी बेसिक स्किल्स, के क्लासरूम डिस्कशन के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तो आपको बेसिक कितनी स्किल्स की जरूरत होती है कि क्लासरूम की डिस्कशन हो जाए, तो आपको चार बेसिक स्किल्स की जरूरत है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन कौन सी, आपके कम्युनिकेशन, थिंकिंग स्किल, एक्टिव इंगेजमेंट एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये चार स्किल्स हैं जो कि आपको किसी भी क्लासरूम डिस्कशन के लिए चाहिए होती है।
देन आपका नेक्स्ट एमसीक्यू है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड मेजर कंट्रोल. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड वो होता है जिसमें मेजर कंट्रोल किसका होता है, बी ऑप्शन इज द राइट, टीचर सेंटर्ड या टीचर कंट्रोल. सारा स्टूडेंट बात करता है लेकिन उसका जो मेजर कंट्रोल होता है वो टीचर के हाथ में होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में. इसमें और हम जो टीचर एक लेक्चर देता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जब टीचर एक कोई लेक्चर देता है तो लेक्चर में जस्ट वो एक नॉलेज या जो एक टॉपिक है वो समझा के चला जाता है. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में वो डिस्कशन करेगा, वो अपना टॉपिक भी पढ़ा देगा, उसके बाद डिस्कशन भी करेगा, लेकिन डिस्कशन का जो मेजर होल होगा वो टीचर के पास होगा. थोड़ा सा डिफरेंस होता है डेली के लेक्चर और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में. प्रैक्टिस असाइंड टू स्टूडेंट्स टू बी डन ड्यूरिंग अ सिंगल एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. की टर्म्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है. 10 बार आपकी आई थिंक सो की टर्म्स दी गई थी, तो उनमें से दो तीन मैंने पूछनी है आपसे ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए. प्रैक्टिस असाइंड टू स्टूडेंट, ये टीचर स्टूडेंट को जो प्रैक्टिस देते हैं जो कि उसने करनी है ड्यूरिंग अ सिंगल एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड. गाइडेड प्रैक्टिस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, मैस प्रैक्टिस या नन. तो सी ऑप्शन आपका है कि ड्यूरिंग एक सिंगल एक्सटेंडेड लंबे टाइम के दौरान आपने जो प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट ने, दैट इज कॉल्ड द मैस प्रैक्टिस. देन प्रैक्टिस गिवन टू स्टूडेंट टू अकम्प्लिश ऑन देयर ओन विदाउट अ टीचर गाइडेंस. ऐसी प्रैक्टिस जो कि टीचर स्टूडेंट को देता है और उसमें टीचर उसको गाइड नहीं करता, उसने खुद करनी होती है, वो क्या होती है, वो कहलाती है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और होमवर्क और इंडिपेंडेंट में थोड़ा सा फर्क है. दोनों टीचर ने खुद करनी होती है, दोनों में टीचर की गाइडेंस इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वो स्कूल में करता है टीचर की प्रेजेंस में, लेकिन टीचर गाइड नहीं करेगा. और होमवर्क जो है वो आउटसाइड द स्कूल बिल्डिंग करेगा, उसको हम होमवर्क कहते हैं. दोनों में विदाउट द टीचर गाइडेंस है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, वो टीचर की प्रेजेंस में ही होगी, स्कूल में ही होगी. और वो होमवर्क क्या है, घर में जाके होगी या फिर ट्यूशन पे जाके. आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है बच्चों का, ट्यूशन जाके करते हो होमवर्क. टाइप्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इंक्लूड, क्या डिस्कवरी लर्निंग में क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सप्लोरेशन, साइमुलेशन बेस्ड लर्निंग ऑल. तो सारे के सारे जहाँ आपके पास डिस्कवरी लर्निंग है, आप कुछ ना कुछ इसमें डिस्कवर कर रहे होते हो, तो और ऑप्शन आ जाएगा आपका. मूविंग टुवर्ड्स अ गोल एंड अ स्पेसिफिक था, सॉरी ये वर्ड, मूविंग टुवर्ड्स अ गोल एंड स्पेसिफिक एक्टिविटीज इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहते हो कि ड्राइविंग फोर्स जो आपको एक स्पेसिफिक गोल की तरफ मोटिवेट करे, आपको ले जाए, उसको हम कहते हैं मोटिवेशन. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है और टीचर मोस्टली मोटिवेट करवाते हैं क्लास में. आपके पास फिर बहुत सारी थियरीज दी गई थी मोटिवेशन की साइंटिस्ट की, तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो ने अपनी थियरी दी थी और उसने एक हायरार्की दी थी कि बेसिक नीड्स जो हैं जो कि मोटिवेशन की तरफ इंसान को लेके जाती हैं वो कितनी हैं. तो उसने कहा था बेसिक 5 नीड्स हैं जो कि इंसान को मोटिवेशन की तरफ लेके जाती हैं. आप इसमें एक पायरामिड की फॉर्म में आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था उसमें दी भी गई है कि कौन कौन सी 5 नीड्स हैं जो कि इंसान को मोटिवेशन की तरफ लेके जाती हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग टूल, अच्छा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीचिंग टूल क्या है, जिसके टीचिंग टूल्स हम कहते हैं वो टूल्स को जो कि मदद करते हैं टीचर को अपने लर्निंग प्रोसीजर को इनहेंस करवाने में. स्टूडेंट के कोई भी चीज जो कि टीचर यूज करता है स्टूडेंट की लर्निंग और या उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी थिंकिंग एबिलिटी को इनहेंस करवाने में जो मदद करवाए टीचर की, उसको मैं कहती हूँ टीचिंग टूल. लाइक टीचर क्लास में आके क्या क्या चीजें यूज करता है, वो व्हाइट बोर्ड को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका एक टीचिंग टूल है. वो उसके अलावा बुक्स को यूज कर रहा है, वो उसका एक टीचिंग टूल है. वो मोबाइल के थ्रू पढ़ाता है तो इंटरनेट उसका टीचिंग टूल कहलाता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल जो है वो क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन था जी टीचर हिमसेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल टीचर खुद होता है, उसके बाद बाकी ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट बुक, इंटरनेट, वीडियोस और कुछ नोट्स, जो भी चीजें हैं वो सारी बाद में आएंगी. जो सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल है जिसके थ्रू टीचर स्टूडेंट सॉरी सीखता है वो टीचर खुद है. बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं, टीचर पहले आएगा तो बाकी चीजों का नॉलेज ले देगा. बुक्स पढ़ना कैसे सीखा था, नर्सरी में टीचर के थ्रू सीखा था. इंटरनेट को यूज करना सिखाया है तो टीचर ने, हर चीज आपको सिखाई जाती है. तो बेसिक टूल जो है पहला वो टीचर खुद है. ठीक हो गया, नेक्स्ट आज हम लोगों का लास्ट मॉड्यूल था ये पॉलीमर्स का. उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्ग होंगे. अब जिसको जो चीज किसी की मिस हो गई है तो वो मिसिंग चीज हमसे पूछ भी सकते हैं. अब यू आर मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम. क्या आपको कोई भी इश्यू है तो आप इजीली आके, नंबर है आप लोगों के पास मेरा, आप
सर से या मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। किसी की कोई चीज मिसिंग है तो वो बता दे, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे जो पिछले टेस्ट हुए हैं सारी, बार बार शेयर की गई ये चीजें आप लोगों को। फिर भी किसी की कोई मिसिंग है तो मैं दोबारा कह रही हूँ, वो बिना झिझक मैसेज करके ले सकते हैं, हम लोग शेयर कर देंगे। बाकी नेक्स्ट लॉन्ग में आपका सारा का सारा ये जितना भी फर्स्ट से लेके पॉलीमर के तक के मॉड्यूल्स हैं वो सारे इंक्लूड हुआ करेंगे। आपने जिसका जो मिस हुआ है ड्यूरिंग टेस्ट, बीमारी की वजह से, बिजी की वजह से, मेहमानों की वजह से, कोई फैमिली फंक्शन की वजह से, तो आप लोगों ने वो रिवाइज करना है। और इंशाल्लाह हमारे जो 3 लॉन्ग टेस्ट है उसमें आप लोगों को सारा कवर हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके अलावा कोई इशू है तो आप पूछ सकते हो। और अल्लाह हाफिज।